चेयर खाली है, जो दोस्त खड़े हैं वो पीछे चले जाए। बिस्मिल्लाह رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما أبرغ الله يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے سرکار نے مجھ کو جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو جو منکر ہے ان کی عطا میں اپنے بھائی سید حافظ حسین شاہ صاحب کی نمائندگی کر رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک خصوصی پیغام کل آیا ہوں۔ مجھے انہوں نے ایک خصوصی پیغام یہ دیا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے اور اتنی مہریں لگانی ہیں کہ گننے والے تھک جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، تو ایک شعر کہوں گا اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیری جیت ہوگی کہ ہار ہوگی، تیری جیت ہوگی کہ ہار ہوگی، یہ باتیں بعد میں ہوں، فی الحال تجھ سے وفا ہوگی، وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، یہ تھے یوسف شاہ صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ، انہوں نے غیر مشروط ہمارے حمایت کا اعلان کیا ہے، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہدایت قدوس کے بابرکت نام میں مسیح برادری کروٹا سجدہ کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں اس وقت کروٹا سجدہ کی مسیح برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام ورکر پی ایم ایل این کے جو یہاں پر
तशरीफ फरमा है। करोटा सजदा की पीएमएलएम की सारी आला क्यादत और पीएमएलएम के नुमाइंदे बशर्ते नगा मोहतरम गाना आरफरना साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ छोटा सजदा के इस अतमाम में मसीह बरादरी की तरफ से। मैं इस बात की आज तस्दीक करता हूँ कि आज नहीं बल्कि जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ तब से मसीह बरादरी ने हमेशा मुस्लिम लीग की हमायत की और तब से लेकर आज तक हमेशा मसीह बरादरी मुस्लिम लीग के साथ है। आप इस बात का मुशाहिदा कर लें कि माजी में और तारीख को उठा के देखें कि मेजोरिटी में हमेशा राणा साहब असी हम अपने प्रॉमिस पे कायम हैं कि दो दो मिनट से भी कम ले रहे हैं ताकि आपने अगली जगह जाना है, इनके दो मिनट इंशाल्लाह मैं पूरे करूंगा। वो बात मैं कर रहा था राणा साहब के हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ऊपर हमारे शेर के वोट निकलते हैं, नीचे हमारे लोग कहते हैं कि हम किसी और से प्रॉमिस कर चुके हैं। तो हम जहां भी कंपेन के लिए जाते हैं अगर कोई दोस्त हमारे साथ ऐसी बात करता है तो हम उसे उसी वक्त ये कहकर इनकार कर देते हैं कि हमें आपका बड़ा वोट भी नहीं चाहिए। अगर आप हमें सूबाई असेंबली का वोट नहीं देंगे हमें कौमी असेंबली का वोट भी नहीं चाहिए। ये गिनती के चंद लोग हैं जो अपने जमीन फरोशी करते हैं। मैं राणा साहब हमारे एक इकट्ठ में मैंने ये बात की थी कि लोग अपना अकीदा बयान करते हैं तो मैं अपना सियासी अकीदा बयान करता हूं कि मेरा सियासी अकीदा ये है और मेरे साथ आपने हम आवाज होकर मेरे इस अकीदे की तायीद कर ली है कि राणा साहब को यकीन हो जाए कि जितने वोट शेर के कौमी असेंबली के निकलेंगे इंशाल्लाह उतने ही शेर राणा साहब के भी निकले। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। कोई भी बात करने से पहले आज के दिन की मुनासिबत से क्योंकि आज यौम कश्मीर है मैं कश्मीर की माओ के नाम दो शार जरूर करूंगा कि जो माएं आज भी अपने वतन से पूछती हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़ वतन जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से चले जा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करे। कश्मीर की माओ के नाम पैगाम के बाद मैं अपनी क्यादत जनाब राणा आरिफ इकबाल हरना साहेब को खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक्त से उन्होंने वक्त निकाला। इसके बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम बब्बर शेरों का
आप सबका इंतहाई मशहूर हूँ कि इतनी सर्दी में भी आपने 3 से 4 घंटे का तवील इंतजार किया और अपनी क़ियादत की राह में निगाहें बिछाई रखी। मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ। राना साहेब, एक बात जो मेरा भाई आमोस यहाँ करके गया, हम रात को गालबन 2 बजे तक इनके पास बैठे रहे। मैंने आपसे रबते की कोशिश की लेकिन रबता ना हो सका, लिहाजा मैं चंद बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस बात पर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें। मुझे मेरे भाई आमोस ने बताया कि 2013 और 2018 में कम्युनिटी सेंटर हमने दरख्वास्त की थी और हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि इसके सिलसिले में हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, तो उनकी इस गुजारिश को ज़रूर देखा जाए। मैंने भी उनको यकीन दहानी करवाई है कि इस रास्ते में अगर कोई रुकावट होगी, अगर कोई ज़मीन का मसला होगा, तो हम इंशाल्लाह ताला करोटा सईदा में, करोटा सईदा मुहैयर हजरात से भरा हुआ है, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारा एक मुतालबा वो पूरा कर दें और उसकी कंस्ट्रक्शन का जिम्मा इंशाल्लाह ताला हम आपके जिम्मे देंगे जो आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी रहमान सपानी साहब, राणा साहब नू मैसेज तरले मिन्नत है, क्रिश्चियन बरादरी का जो भी मसला है ना, तीन इलेक्शन में नहीं होया तो इस इलेक्शन जीत के इंशाल्लाह ताला सब पूरा करना है। ध्यान मार लो माशाल्लाह, सब तो ज्यादा क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुसलमान साढ़े भरावान के सारे काम करते हो, उन्होंने भी हर बार काम रह जाता है, उन्होंने भी करो, वो भी साढ़े भाई ने। मेहरबानी राणा साहब, बहुत शुक्रिया है, काम जरूरी है करना है, और ताड़ियां मारो। फरमायश भी बड़ी वड्डी है, पूरी करनी पैनी है, सिफारिश भी वड्डी है। जनाब मैं राणा साहब को दावत देने से पहले मैं एक बात बताता चलूं कि हमारी लिस्टें जो है फहरिस्तें वो आ चुकी हैं, वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की सैयद मून शाह साहब, 1 और 2 की सैयद मून शाह साहब अलमरूम मोनी शाह साहब। بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج کے اس پروگرام کے روح رواں میزبان میرے بھائی رفاقت شاہ صاحب, شاہد شاہ صاحب اور اجاز شاہ صاحب, جناب یوسف شاہ صاحب, जनाब हमारे बुज़ुर्ग इतनी देर तक जाग रहे हैं, मुझे यकीन जाने ईमानदारी से शर्म महसूस हो रही है कि आप जैसे लोग, आप जैसे हमारे मेरे वालिद की उम्र के हैं, तो बड़े बड़े नफीस इंसान हैं, हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ डट के खड़े रहे हैं। जाके शाह साहब, चौधरी शकील साहब चेयरमैन बैतुल माल कमेटी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, मलक जब्बार साहब, मंसूर शाह साहब, सजाद शाह साहब, ग्रेट इंसान, ग्रेट माशाल्लाह पार्टी का शाह साहब, सईद खालिद साहब माशाल्लाह, मून शाह साहब, मून शाह साहब से तो मेरी एक माजरत भी है कि उनका मैं प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सका था, तो उसके लिए मैं बाज़ाब्ता माजरत चाहता हूँ, वो मैंने माफ़ी मांगी भी थी फोन करके। जनाब शाह फैसल साहब, टोनी शाह साहब, मलक फाज साहब सदेचक वाले, जैन शाह साहब, अदनान शराजी शाह साहब, बगे शाह साहब भी उधर नज़र आ रहे हैं मुझे, तनवीर शाह साहब, अली शाह साहब माशाल्लाह, और अमूस फजल बट्टी और तमाम मसीह बरादरी के दोस्त, और जो लोग मेरे भाई मख्ताब शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मैं जनाब का नाम नहीं लेना, इमरान शाह साहब, तो आपने तो इतना बोला इसलिए नहीं लेना। तो मैं
इंतहाई मुल्तमिसूं आप लोगों का, बड़ी देर से आपने इंतज़ार किया, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, इंतहाई काबिल इज्जत है, मैं सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। यकीन जानिए कि आप जैसे लोग पार्टी के वर्कर हों तो कौन हरा सकता है मियां नवाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोग तीन तीन चार चार घंटे हम लेट पहुंच रहे हैं, ये एक खुश शायद बात है। वो खुश शायद बात इस तरह है कि हमारे मुहालफीन लोगों की मिनटें कर रहे हैं कि कोई 10 बंदे इकट्ठे करके हमारी फोटो बनवा दो, वोट दो या ना दो, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चार चार साथी चार चार पांच पांच घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का पैगाम आके मियां नवाज शरीफ का नुमाइंदा बचाएगा। तो पैगाम मेरे भाइयों ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें दोबारा एक मौका फराहम कर दिया है कि हमने मिलकर पाकिस्तान को मिलकर बेहतर करना है। मैं 5 फरवरी के हवाले से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे वो कश्मीरी साथी जो सारी जिंदगी सैयद अली गिलानी जैसे बुजुर्ग, जिन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, जेलों में जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले गए, हमारी नौजवान बच्चियां उन्होंने शहादतें दी, हमारे नौजवान लीडर जो के पूरी पूरी जिंदगी हो गई है वहां पे गुजर दे उनको, मैं इसको क्या नाम दूं, मैं जो कहता था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, खुदा की कसम ये कश्मीर का सौदा करके आया था, ये कश्मीर बेच के आया था। मेरे एक बुजुर्ग है शायद सैयद अल्लाह तबारक व तआला, वो दुनिया से चले गए हैं खैरो आल में, तो मैं वहां पे जाता था, तो मैं गया तो मुझे कहते हैं वो थे असल में अपने कश्मीर की जुबान में बात करते हैं, मुझे कहते हैं राणा जी, मैं जी कहते हैं इसने कश्मीर बेची उड़ी आज। मैंने कहा पीर साहब आप क्या, मैं अपने दिमाग में घूम गया, मैंने कहा पीर साहब क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, सारे इसके पास कोई बात है तो कर रहा है ना कि इसने, मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा सरकार दोबारा बताएं, कहते हैं मैं कह रहा हूं कि राणा जी इसने कश्मीर बेची उड़िया जी, कश्मीर बेच दिया इसने। चंद दिनों के बाद पता चला कि वो कश्मीर में जो वो उनको कश्मीरियों के अलावा जो गैर कश्मीरी थे उनको वहां पे आबाद करना और उनको प्रॉपर्टी खरीदने का राइट जो है वो इसकी मर्जी से हुआ था, ये इसने कश्मीर के साथ जुल्म किया था, ये कश्मीर के साथ नहीं किया, इसने हमारे गरीब लोगों के साथ पूरी मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क के दफाई अमरू पे हमला किया, मुल्क के दफा पे हमला किया, उसके साथ साथ एक साइफर का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनाह करने की कोशिश। मुसीब भाई जिन्होंने मुझसे ये बिल्कुल, मेरे भाइयों ने भी इसकी तस्दीक की है, एजाज शाह साहब ने भी, जाकिर शाह साहब ने भी, महताब शाह साहब ने भी, तो महताब शाह साहब एक वादा आप पूरा कर दें, जमीन का बंदोबस्त आप कर दें, जहां से भी हो सके जमीन आप कर दें, और दूसरा वादा मेरे अपने क्रिश्चियन भाइयों से है कि आप भी पूरी गारंटी के साथ मेरे साथ वादा करें कि मियां नवाज शरीफ का साथ देंगे आप, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ यहाँ खड़े होके, क्योंकि 2018 से अपने 2026 तक तो हम अपोजिशन में रही कुछ नहीं कर सके, 2013 वाला दौर जो है वो हमारा बिजली पूरी करते करते, उसके बाद महंगाई पे कंट्रोल करते करते, जब डेवलपमेंट का हरी
ही साल होता है, हर ही साल होता है डेवलपमेंट का, तो ईमानदारी से हमें काम से रोक दिया गया था, हमें काम नहीं करने दिया गया था। आप अल्लाह के फजल करम से हम पूरी ताकत से मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आपके वोट से आ रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि जगह का बंदोबस्त करके दे, मैं कम्युनिटी सेंटर के जितने भी पैसे लगे, जितने करोड़ लगे, मैं उसका बंदोबस्त करके आपको दूंगा, इंशाल्लाह दूंगा। ये आपका हक है, आप हमेशा हमें वोट देते हैं। आप कुछ, मेरी रिक्वेस्ट ये है, खुदारा खुदारा जो लोग पैसे लेकर गली गली फिर रहे हैं, जो लोग लोगों के जमीर खरीद रहे हैं, जो वोट वोट जमीर है, और मेरे एक बुजुर्ग है राणा शमीम अहमद खान, वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वोट आपका ईमान है, वो वोट आपका ईमान है, क्योंकि जमीर के मुताबिक जब बंदा वोट ही नहीं डाल सकता तो वो पाकिस्तान को ठीक करने की बात कैसे करेगा। मैं आपसे अपील करूंगा, जो लोग मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो वोट जाया कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो जाया कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मजहब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा वाजिया कह दिया था, बड़ा वाजिया फरमा दिया था कि इस पाकिस्तान में हर मजहब को मजहबी आजादी है, वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, वो अपना जो मर्जी किसी का अकीदा है वो अपनी इबादत करे, उसको हर किस्म की आजादी है। लेकिन वो लोग जो मजहब के नाम पे लाठियां लेकर बदमाशी करके वोट लेना चाहते हैं, खुदा के लिए ये मुल्क अब उसका मुतामल नहीं रहा। इस मुल्क को जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की। ये नहीं हो सकता कि एक मदरसे से बंदा उठे तो वो कह दे मुझे मुल्क का वजीर आजम बना दो, मेरे नाम पे वोट दे दो। एक पहले आया था, वो क्रिकेट खेलता खेलता उसने हॉस्पिटल बनाया, अरबों रुपये कमाया उस हॉस्पिटल से, बाद में उसने कहा कि मुझे वजीर आजम बनाओ, देखो मैंने हॉस्पिटल चलाया, अब मैं मुल्क भी चला के दिखा दूंगा। लोगों ने और कुछ लोगों ने, कुछ मैं उन अदारों का इंतहाई मोहतरम है, उन्होंने तजर्बे के तौर पे लाया, भाई ये मुल्क तजर्बे करने के लिए नहीं है, ये मुल्क मियां नवाज शरीफ का, दो जितनी दवा आपने दिया है उतनी दवा मेरे कायद ने यह मुल्क ठीक किया है। आपसे अपील है, आपसे अपील है कि खुदारा खुदारा ये वोट जाया मत करें, ये वोट आपके पास ऐसी ताकत है जिससे 5 साल का फैसला होना है कि आपके मुल्क ने किधर चलना है। अगर आप वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ, आप सब लोग क़यादत सारी गवाह है कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को ठीक कर सकता है। मियां नवाज शरीफ 2017 से अपने मुल्क को लेकर उठ चलेगा, और इंशाल्लाह ये महंगाई को इंशाल्लाह दरिया बुर्द करेगा, दरिया बुर्द ये मियां नवाज शरीफ कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके पास प्लान है, उसके पास स्ट्रेटजी है, उसके पास दिमाग है, उसके पास तजर्बा है, और किसी के पास कोई तजर्बा नहीं है। एक उठता है वो जरदारी का बेटा, वो कहता है जी मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा। भाई आप कैसे ठीक कर दोगे, आप तो हर दफा वजीरे खजाना उधार मांगते हो IMF से। मुझे बताओ के काफ लीग से लेकर, काफ लीग को हुकूमत दी, उन्होंने हफीज से उधार ले लिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी, उसने हफीज से उधार ले लिया, उसके बाद PTI को हुकूमत दी, उसने भी हफीज से उधार ले लिया। इनके पास तो कोई इकॉनमी को ठीक करने के लिए बंदा ही नहीं है, ये मुल्क कैसे ठीक करेंगे। मुल्क ठीक कर सकता है मियां नवाज शरीफ। आपसे अपील है कि आप सिर्फ 2 दिन रह गए, 2 दिन में मैं अपनी क़यादत से भरपूर अपील करता हूं कि अगर आप लोग गली गली निकले, जैसे आपने बहुत मेहनत की, बड़े जलसे करवाए, बड़ी मेहनत की, बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स की सारी क़यादत से, मैं आज भूल नहीं सकता अपने भाई सैयद आफरीन शाह साहब को,
बहुत बरकत था हमारी पार्टी का, बहुत बड़ा सासा है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी दराज करे। उसका बेटा यहाँ पे मौजूद है, वो उसने मेरी बहन को, अपनी वाइफ को सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए पाकिस्तान भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये है पार्टी के साथ कमिटमेंट, ये है पार्टी के साथ कमिटमेंट। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज दो दिन में इतना फिर जाए, इतना फिर जाए कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं उनको उनसे अपील करें कि खुदा के लिए वोट मत देना, वोट सिर्फ नवाज शरीफ को दो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 साल में मुल्क ठीक करके भी नवाज शरीफ देगा। मैं आपको सब क्यादत का, अपने भाइयों का मशकूर हूं। और आपने इतनी देर तक इंतजार किया, ये कम्युनिटी सेंटर नहीं है। हम इंशाल्लाह इन 5 सालों में खरोटा सजदा में, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आरिफ शाह साहब भी सामने तशरीफ फरमाए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जितनी आपकी महरूमियां हैं, जितनी गलियां हैं, जितना सीवरेज का सिस्टम है, वो सारे का सारा हम ठीक करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि मसाइल से होता है सब कुछ। हमारे पास मसाइल आएंगे मियां नवाज शरीफ की सूरत में, वो बात बंदा है जो मुल्क को ठीक कर सकता है। आपसे अपील है कि 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ को वोट दे, शेर को वोट दे, पाकिस्तान की तरक्की को वोट दे, पाकिस्तान की खुशहाली को वोट दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद।